लालकुआ बिंदु खत्ता में संघर्ष समिति ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। बता दें बिंदु खत्ता संघर्ष समिति बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने, गौला नदी में तटबंध निर्माण, आवारा पशुओं पर रोक लगाने, बिंदु खत्ता में विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर लगाने, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का शीघ्र निर्माण कराने जैसी मांग कर रही है। समिति ने अपनी मांगों को लेकर SDM पारितोष वर्मा को मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंप दिया है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। इनके हुंकार के साथ शरीक होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदु खत्ता को जो अवैध कब्जे घोषित किया गया है उस कागज को फाड़े और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदु खत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोटू के लोगों से। और हमने दो जिम्मेदारियां अपने उसे ली हैं। एक तो हमारे जो विधायक यहाँ आए थे दोनों, ये लोग जो है विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएंगे कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। और हम लोग की ये गोंगी बैरी सरकार है, ये सिर्फ राजनीति करती है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि जो लोग भूमिहीन है, जो लंबे समय से मतलब 4 पीढ़ियों से किसी जमीन पर बैठे, उन्हें भूधरी अधिकार दिया जाए। बिंदु खत्ता एक बड़ा गांव है जहां कुमाऊं मंडल के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग आकर पिछले 50-60 साल से बसे हुए और उनकी मांग है कि इसे राजस्व गांव बनाया जाए। बनाने की मांग दशकों से चली आ रही है, लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनको जमीन का मालिकाना हक मिले और लगातार इस बात की उपेक्षा हो। अब ये जो डबल इंजन की सरकार आई है जिसको कि एक दशक पूरा होने को है और जिसने लोगों को आश्वासन दिया कि जो कुछ सिंगल इंजनों से नहीं हो पा रहा है वो दिल्ली का और देहरादून का इंजन मिल जाएगा तो सब होगा, लेकिन आज के दिन पर लोगों बरसों से वन भूमि में बसे हुए लोगों को उजाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लोगों में धर्म के आधार पर फूट डाल करके उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है।